डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की जान चली गई, परिजनों ने लगाया आरोप। बिहार टॉप न्यूज के सहयोगी रतन कुमार के अनुसार आज सुबह 7 बजे लगभग चलीसा हटिया के 55 वर्षीय हजारी प्रसाद शाह की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल ले आए, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी डॉक्टर के नहीं आने से मरीज की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। मरीज के परिजन घबराहट में इधर उधर भाग के डॉक्टरों को मरीज को ऑक्सीजन लगाने की मांग करने लगे। लेकिन फिर भी मरीज को सही समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई। क्या दिक्कत, क्या थी इनको? दिक्कत था, खांसी हो रहा था और सर पेट में दर्द था। डॉक्टर लोग यानी समुचित इलाज नहीं किए, यहाँ समुचित उपाय यहाँ नहीं हो पाया, जिसके कारण उनका हालत और बिगड़ गया। क्या नाम है आपके चाचा का? हजारी प्रसाद शाह। इस मामले को लेकर सदर अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि पहले से ही मरीज की तबीयत खराब थी। डेढ़ घंटे से परिजन कर रहे हैं, मरीज भर्ती हुआ 9:38 में। हाँ ठीक है, मरीज भर्ती हुआ है 9:38 में और 9:50 के आसपास में मृत्यु हो गई है। 9:55 में हम पहुँचे थे, कंडीशन को देखे, डॉक्टर से बात किए, सब लोग थे। तो डेढ़ घंटे का सवाल जो है ये आरोप ही झूठा है। ऑक्सीजन सही समय पर नहीं लगाएगा ये भी परिजन का। उत्तर माता पिता 9:38 से भर्ती हुई है, वार्ड में ले जाया गया, ऑक्सीजन भी लगाने के लिए डॉक्टर नविता भाई, ये जो हमारी जीएनएम है नविता भारती वार्ड इंचार्ज, वो बगल में ऑक्सीजन तो बेड के साथ रहता नहीं है, बगल से ला के लगा दी है। लेकिन वो कंडीशन बहुत पुराने रोगी थे, डॉक्टर संजय तिवारी के यहाँ से इलाज थे और वहाँ स्थिति गड़बड़ हुई तो उसको जबरदस्ती लोग भेज दिया गया दही सदर अस्पताल में। सर और ये भी बात है सर कि मतलब 38 नंबर में ऑक्सीजन, जो 38 नंबर की वार्ड इंचार्ज है वो ऑक्सीजन नहीं ले रही है, क्या कारण है? आपको कई बार पत्र भी लिखा गया है। कई बार पत्र की बात नहीं हुई है, कोविड के काम को देखते हुए कुछ वार्ड इंचार्ज को कोविड काल में लगाया था, जिसे मैंने कल भी निर्मित कर चुका है और वो अभी भी उन लोगों का इंटेंट आया ऑक्सीजन वहाँ पहुँच जाएगा। कई महीनों से नहीं ले रही है? कई महीने से नहीं, कुछ दिनों की बात है। हाँ मात्र हमारे 12 वार्ड हैं, उसमें से 3 वार्ड में ही नहीं किया था, मात्र सब वार्ड में तो ऑक्सीजन है ही, और जिस वार्ड में नहीं है पूर्व से ही इमरजेंसी से वहाँ ऑक्सीजन तो चला जाता है, इमरजेंसी में हर हमेशा ऑक्सीजन रहता मेरे पास। लेकिन बात यह भी है कि अगर डॉक्टरों को पूर्व में मरीज की ज़्यादा गंभीर हालत की अनुमान था तो वो मरीज को हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर कर सकते थे। खैर अगर इसी प्रकार सदर अस्पताल की नीति रही तो मरीज लोग कैसे डॉक्टरों पर भरोसा कर पाएंगे।